माँ के बगैर मायका नहीं होता। राधिका सुबह 7 बजे उठती है और उसकी नज़र अचानक फ़ोन पर जाती है। इतनी सुबह सुबह किसका फ़ोन आ गया और वह देखती है कि 4 मिस कॉल थे उसकी भाभी के। यह देखकर वह घबरा गई क्योंकि उसकी भाभी को पता होता है कि अगर राधिका 2 बार में फ़ोन नहीं उठाती है तो इसका मतलब यही है कि वह सो रही है या अपने काम में व्यस्त है। अब राधिका का मन घबरा रहा था क्योंकि भाभी के 4 फोन लगातार आने से उसे टेंशन हो गई थी, क्योंकि राधिका की मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। अभी 2 दिन पहले ही राधिका अपनी मम्मी से मायके में मिलकर आई थी। फिर भी राधिका ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फ़ोन लगाया और फ़ोन जैसे ही भाभी ने उठाया तो राधिका को रोते हुए कहा, दीदी मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई हैं, रात को अच्छे से सोई थी और सुबह आपके भैया और मैं ने खूब उठाने की कोशिश की पर वह नहीं उठी। तब हमने डॉक्टर साहब को बुलाया, फिर उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रही, दीदी आप जल्दी से जल्दी घर आ जाओ। इतना सुनते ही राधिका की आंखों में आंसू बहने लगे। पापा तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे और अब उसकी माँ भी नहीं रही। राधिका तो बिल्कुल बेहाल सी हो चुकी थी। अब राधिका ने रोते रोते यह बात अपने पति राज को बताई तो राज ने उसे संभाला और उसे जल्दी से कार में बैठाकर मायके ले गया। राधिका जैसे ही अपने घर पहुंची तो उसने अपनी माँ के शरीर को देखकर उससे लिपट गई और खूब रोई। आखिर में राज ने उसे किसी तरह समझाया और माँ का अंतिम संस्कार किया। राधिका बहुत रो रही थी और उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। तब उसकी मौसी ने उसके आंसू पोंछे और उसे संभाला और कहा, राधिका बेटा ऐसे दुखी मत हो, दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तेरी मौसी, मेरा घर भी तो तेरा मायका है, तेरा जब मन करे तब आ जाना अपनी मौसी के पास। वैसे कहते भी तो है ना कि मौसी मतलब माँ जैसी, बेटी मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ क्योंकि तेरे पापा तो पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके हैं और आज दीदी भी चली गई। कहते हैं ना कि माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। यह भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता होता है क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। राधिका भी मन ही मन में सोचने लगी कि शायद मौसी ठीक ही तो कह रही हैं, और वह मौसी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या मौसी मेरा भी मायका अब नहीं रहा। तभी राधिका की भाभी दूर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। पहले तो भाभी ने राधिका को चुप कराया और फिर उसे दिलासा दिया। फिर भाभी ने मौसी से कहा कि मौसी जी आपने ऐसा कैसे कह दिया कि मायका केवल माँ से ही होता है, मैं मानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी दीदी के भैया भाभी जिंदा है और जब तक हम हैं दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी दीदी को मम्मी जी की तरह प्यार और सम्मान देने की, और दीदी जब चाहे तब यहाँ आ सकती है, यह घर कल भी उनका था और आज भी और हमेशा भी रहेगा। मासी जी मैं भी एक बेटी हूँ और मेरा भी मायका है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी आप दीदी को अपने घर जरूर बुलाइए पर उन्हें अपने भैया भाभी के प्यार से दूर मत करिए। तभी मौसी ने कहा, बहू आज के जमाने में तेरी जैसी सोच रखने वाली भाभी बहुत कम मिलती है, मुझे माफ कर दे, मैंने राधिका को गलत राह दिखाई। तभी राधिका अपनी भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया कि भाभी भी माँ के समान होती है और मैं संतुष्ट हूँ कि जब तक आप और भैया हो मेरा मायका सदा बना रहेगा। और किसी ने कहा है ना कि भाभी भी माँ के समान होती है, आज आपने मुझे इस बात का विश्वास दिला दिया। राधिका अपनी भाभी के गले लग गई और कहने लगी कि मुझे माँ जैसी भाभी मिल गई। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।